इजी आयुर्वेदा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जनार्दना हेब्बा। आज का सवाल है, बालों में तेल लगाने के बाद शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बहुत सारे आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल हम रोजाना कर सकते हैं, जैसे कि मालत्यादि तैला, नीलभृंगादि तैला, ब्राह्मी ऑयल, भृंगामलक तैला, कुंतलकांति हेयर ऑयल एंड सो ऑन। सो इन सभी आयुर्वेदिक तैलों में हर्ब्स के साथ तेल को प्रोसेस किया जाता है जो नेचुरल होता है, और इनका इस्तेमाल हम रोजाना कर सकते हैं। बालों को तेल लगाने के लिए तीन तरह का मेथड्स है। पहला मेथड, नहाने से पहले, मतलब नहाने से 30 मिनट से 2 घंटे पहले थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल को बाल में लगाकर 30 मिनट से 2 घंटे के बाद जब बाल में पूरा तेल अच्छी तरह से जम जाए उसके बाद स्नान कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ हेयर ऑयल एप्लीकेशन है, तेल की एक छोटी मात्रा में स्नान के बाद लगाया जा सकता है, जो कि नॉर्मली हम इसी तरह से ही हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं। लास्ट थर्ड मेथड है, जहाँ पर हम शाम के टाइम में या रात को सोने से पहले एक छोटी क्वांटिटी में हेयर ऑयल को लगा के हम सो सकते हैं। शाम को या रात को तेल लगाने से नींद अच्छी आती है और बाल भी अच्छे और घने हो सकते हैं। आज का सवाल है, अगर स्नान से पहले हम हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? हेयर ऑयल एप्लीकेशन के बाद अगर स्नान के लिए आप शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि शैम्पू के बजाय हर्बल हेयर वॉश पाउडर्स जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है उनको लेकर उसको इस्तेमाल करना, उन हर्बल हेयर वॉश पाउडर्स को यूज़ करके हेयर वॉश करना आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि हर्बल हेयर वॉश पाउडर्स में कम प्रिजर्वेटिव होता है, कम एडिटिव्स होते हैं, और वो बहुत शैम्पू से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत नेचुरल होता है। इसलिए शैम्पू यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चांस मिला तो एक बार हर्बल हेयर वॉश पाउडर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक आयुर्वेद का प्रिंसिपल है हेयर वॉश के बारे में, आयुर्वेद में अति उष्ण जल या हॉट वाटर और बहुत ही हॉट वाटर को हम हेयर वॉश के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। लूक वार्म वाटर जो बोलते हैं, जो हल्का सा हॉट हो, या कोल्ड वाटर को हम हेयर वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में और सीखने के लिए प्लीज़ विजिट कीजिए easyayurveda.com।